सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ हमेशा रियल एस्टेट में रहा है, बिकॉज दोस्तों लैंड अभी मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। मेरा नाम है अमर गोखटे और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ सनटेक नायगांव प्रोजेक्ट के बारे में, जो मुंबई से हार्डली 40-45 मिनट्स के डिस्टेंस पे है और दहिसर चेकनाका से 30-35 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। ये प्रोजेक्ट में दोस्तों इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रखनी है और ये एरिया कैसे डेवलप होगा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सनटेक नायगांव प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों सनटेक नायगांव प्रोजेक्ट ये नायगांव स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बड़ी टाउनशिप बना रहा है। ये टाउनशिप टोटल 150 एकड़ के लैंड बैंक में है और अप्रोक्सीमेटली 154 बिल्डिंग्स आएंगे, जिसमें हमें 23,000 फ्लैट से भी ज्यादा फैमिलीज वहां पे रहने के लिए आएंगे। अब इसका फेज वन, फेज टू और अलग अलग फेजेस में काम चल रहा है। अभी के सिचुएशन में फेज वन लॉन्च हुआ है और फेज टू ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। फेज वन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और फेज टू जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी की टाउनशिप है और बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को, एमिनिटीज को साइड में रखते हैं, पहले बताता हूं क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों सनटेक ये इंडिया के टॉप 8 डेवलपर्स में से एक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कंपनी का जो नेटवर्थ है वो मोर देन 7,500 करोड़ की कंपनी है। इसका मतलब बिल्डर के पास में, खुद के पास में पैसा इतना है कि वो उसकी लैंड को डेवलप कर सकता है। दूसरे बिल्डर्स आप देखोगे तो उनके पास पैसा नहीं होता है, वो आपसे पैसा लेता है फिर डेवलप करता है, लेकिन सनटेक के पास में इतना ज्यादा नेटवर्थ है कि वो खुद डेवलप कर पाएगा, उतना पैसा है। तीसरा जरूरी बात हम देखेंगे तो वो है कि सनटेक की स्टॉक मार्केट में शेयर है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आज का अगर रेट देखेंगे तो 357 रुपीज का शेयर प्राइस है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने की वजह से शेयर होल्डर्स का या कॉमन इन्वेस्टर्स का इसके ऊपर ज्यादा रिलायबिलिटी है और ट्रस्ट है। जब डेवलपमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो सनटेक कोई भी एरिया में जाता है ऑटोमेटिकली उस एरिया को डेवलप करके देता है। जैसे सनटेक ने फेज वन बनाया, वहां पे अभी वो रिलायंस मॉल लेके आए हैं। रिलायंस ने सनटेक में सबसे बड़ा मॉल आज तक का उनका लॉन्च किया 2 महीने पहले। अगर रिलायंस सनटेक के ऊपर ट्रस्ट रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये सारे के सारे मॉडल रिटेल चेन सनटेक नायगांव में लेके आ रहा है। दोस्तों नायगांव अभी की सिचुएशन में 10 साल पुराना मीरा रोड है, या पकड़ लीजिए 10 साल पुराना एक घोड़बंदर रोड है। नायगांव अभी डेवलप होना बाकी है। अब नायगांव में क्या सिचुएशन है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वाटर कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर एम्पल है, वीवीएमसी का वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन सारे के सारे रेसिडेंशियल जोन में है, स्कूल्स पास में है, हॉस्पिटल पास में है, कॉलेज पास में है, फिर भी नायगांव पीछे क्यों है? उसके बेसिक रीजन बताता हूं दोस्तों कि नायगांव पीछे इसके लिए बिकॉज नायगांव को ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब अगर आपको नायगांव स्टेशन से वेस्ट में जाना होगा तो आपको एक 22 किलोमीटर का पैच क्रॉस करके जाना पड़ता है। बट अभी MMRDA वहां पे ब्रिज बना रहा है और वो ब्रिज का कंप्लीशन ज्यादा से ज्यादा आने वाले 6-7 महीने में हो जाएगा। 90% ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है। एक बार वो कनेक्टिविटी हो गई कि नायगांव को विजिटर्स ज्यादा मिलेंगे। अब विजिटर्स का मतलब क्या, विजिटर्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप घोड़बंदर रोड को देख लीजिए, 10 साल पहले घोड़बंदर रोड क्या था, लेकिन आप अगर मुंबई के आसपास के एरिया में रहते हो तो आपने घोड़बंदर रोड या 10 सालों में एक बार तो भी ट्रैवल किया होगा। जब आप किसी रोड से ट्रैवल करते हो और आसपास में आपको कंस्ट्रक्शन दिखता है तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कीजिए कि अगर 1,00,000 गाड़ियां घोड़बंदर रोड से हर रोज ट्रैवल करती है, उसमें से अगर 10 लोगों ने भी डिसाइड कर लिया कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है और ये एरिया अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर बेल्ट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। अब नायगांव में ये क्यों नहीं होता है, बिकॉज नायगांव में बाहर का क्राउड कोई नहीं आता है, जो भी होते हैं वो नायगांव के लोकल लोग हैं या जो है वो प्रॉपर्टी देखने के लिए आए हैं। बट ये ईस्ट वेस्ट का ब्रिज कनेक्ट होने के बाद में क्या होगा कि वसई वेस्ट, नालासोपारा वेस्ट, विरार वेस्ट की आने जाने वाली पब्लिक सारी नायगांव होके हाईवे के थ्रू जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ विजिटर्स इन नायगांव ज्यादा होंगे, विजिटर्स ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, रिटर्न्स ज्यादा। दूसरा फैक्टर ये है कि हमें जैसे बांद्रा वर्ली सीलिंक है, वैसे ही एक सीलिंक बनने जा रहा है जो है भाईंदर वसई सीलिंग, जो नायगांव के यहाँ पे एंड होता है या नायगांव से स्टार्ट होता है, भाईंदर की खाड़ी पे एंड होता है।
दोस्तों ये सीलिंग का अप्रूवल ऑलरेडी 4 साल पहले हो गया था, उसके कंस्ट्रक्शन अभी चालू होगा और हम रिज्यूम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली एमएमआरडीए इसको बना रहा है 3 से 4 साल में ये बन जाएगा। जैसे ये बन जाता है तो कनेक्टिविटी वेस्टर्न बेल्ट पे हमें और ज्यादा एडवांस में मिलती है, ये सेकेंड एडेड एडवांटेज रहा। तीसरा एडेड एडवांटेज दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि नायगांव ही एक ऐसा स्टेशन है वसई विरार बेल्ट में जहां पे हमें हार्बर लाइन की कनेक्टिविटी मिलती है। एक वेस्टर्न लाइन की रेलवे की कनेक्टिविटी है, उसी के बाद में हार्बर लाइन की कनेक्टिविटी है। आप दीवा वसई पनवेल ये लोकल चलती है, शटल चलती है, हर हाफ एन आवर में शटल का आपको एक्सेसिबिलिटी है। तो अगर आप नवी मुंबई रहते हो या वो साइड जॉब करते हो तो नायगांव में इन्वेस्ट करने के लिए या रहने के लिए आपको बेटर ऑप्शन हो जाता है, बिकॉज आप वो बेल्ट में जल्दी पास होते हो। ये एक ट्राइबल ट्रांसपोर्टेशन पर्सपेक्टिव से अलग हमें बेनिफिट मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह है कि बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है दोस्तों वो नायगांव में सनटेक के बराबर पास से ही जाता है। अब आप बोलोगे अमर बुलेट ट्रेन जा रही है तो मुझे उससे क्या फायदा? दोस्तों इसका बहुत बड़ा फायदा है, बिकॉज बुलेट ट्रेन के आसपास की जो लैंड है वो गवर्नमेंट ने प्रीमियम प्राइस पे अक्वायर की है। जब गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट लैंड में प्रीमियम प्राइस के यहाँ पे करता है तो ऑटोमेटिकली उसके बाजू का जो लैंड होता है आजू बाजू का उसकी वैल्यू और नेटवर्थ बढ़ती है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है सनटेक नायगांव का वो एकदम टच है बुलेट ट्रेन से, मतलब हार्डली आपको 200-300 मीटर से बुलेट ट्रेन जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों बताऊं मैं, वो है बड़ौदा एक्सप्रेस लिंक रोड। ये एक नया रोड बन रहा है जो मुंबई बड़ौदा कनेक्ट करेगा। ये 6 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, वो भी हमारे प्रोजेक्ट के एकदम पास से जाता है, तो कनेक्टिविटी फैक्टर आपको और एक बेटर मिल गया। फिफ्थ कनेक्टिविटी फैक्टर का है कि जो आपको फाउंटेन होटल के ऊपर आज की सिचुएशन में ट्रैफिक का कंजेशन लगता है, तो फाउंटेन होटल के ऊपर एमएमआरडीए की तरफ से बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है जो सर्कल ब्रिज है। उसका काम आप देखोगे तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है और हो सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में इसका कंस्ट्रक्शन हो जाए। जैसे ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा नायगांव में आप जल्दी फटाफट पहुंच पाओगे। अब फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, नायगांव के बाद आता है वसई, वसई के बाद आता है नालासोपारा और नालासोपारा के बाद आता है विरार। तो हाईवे कनेक्टिविटी अगर हम पकड़ेंगे तो नायगांव जो सनटेक प्रोजेक्ट है ये नायगांव हाईवे से हार्डली 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वसई देखेंगे तो 9 किलोमीटर पड़ता है, नालासोपारा देखेंगे तो 11 किलोमीटर पड़ता है, विरार देखेंगे तो आपको 12 किलोमीटर पड़ेगा। तो नायगांव आपको सबसे सस्ते में और सबसे पास में पड़ता है, ये एक आपका एडेड बेनिफिट है। चौथा एडेड बेनिफिट या मोर एडेड बेनिफिट्स में बताऊं तो सनटेक का ही ऐसा प्रोजेक्ट है नायगांव में जिसका 22 स्टोरी का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। पालघर डिस्ट्रिक्ट में या वसई विरार महानगर पालिका में 22 स्टोरी की कंस्ट्रक्शन अब तक किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया है। सीसी उनको मिला है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है। तो सनटेक रियलिटी में डेवलप करना या इन्वेस्ट करना ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आप 5 साल का दोस्तों होराइजन रखते हो तो आपका पैसा डबल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और हाँ, ये रिस्क फ्री आपका इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी है तो वो मूवेबल एसेट नहीं है, इमूवेबल एसेट है, एक जगह पे है। रेडी पोजिशन में फ्लैट खरीदते हो तो आप रेंटल पे दे पाओगे। ईएमआई आपका ज्यादा से ज्यादा 20-22 हजार का आएगा और रेंटल यील्ड आपको आएगा उसमें अप्रोक्सीमेटली 9.5-10 हजार का। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। नायगांव के बारे में या सनटेक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरे दूसरे सनटेक के डिटेल वीडियोज है, वो वीडियोज आप देखिए। उसमें मैंने सैंपल फ्लैट बताया है, उसमें मैंने आपको सनटेक का मॉड्यूल बताया है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, वो वीडियोज देखिए। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा दोस्तों, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक आपका मोटिवेशन, एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोस डालने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।